नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। देश में हो रही कई सारी बातों को और गहराई से जानने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, व्यापार जगत के ज्ञाता और समाज सेवी दिनेश पोद्दार जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दिनेश जी, आजकल हर बयान पर राजनीति करने का एक फैशन सा चल पड़ा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, तो इस पे भी एक राजनीति गरमा चुकी है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, हमें इस सब को एक बड़े नज़रिए से देखना होगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि जब मौजूदा सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कुछ खास नहीं रह जाता है, तो ये वो बयानों पर राजनीति करने को मजबूर हो जाती है। और ऐसी ही हालत आज कांग्रेस की है। मैं तो सभी लोगों और दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि गरीबों को मुफ्त में आटा चावल बांटकर क्या उनको पूरी जिंदगी गरीब ही रखना अच्छा है, या आत्मसम्मान से कोई अपना रोजगार करे तो वो ज़्यादा अच्छा है? ये सरकार उस आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसी बैंक लोन सुविधाएं दे रही है, जिससे उस गरीब को प्रोत्साहन मिल रहा है। और पकौड़ा कोई बेच रहा है तो आत्मसम्मान से दो पैसे कमा रहा है, किसी के रहमो करम पर जिंदा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार ने हर गरीब को उसका आत्मसम्मान लुटाया है। कितने लोगों को मैंने देखा है जो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन लेकर छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं और आत्मविश्वास से साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जी बिल्कुल, पकौड़ों पर जो राजनीति हो रही थी इस पे तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, पर अब हम ऐसे जानना चाहेंगे कि जो बजट पेश किया गया था, उस बजट को लेकर जनता में कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि है, इससे संतुष्ट नहीं है जनता। आपका क्या कहना है बजट पर? चेतना जी, बतौर देश के नागरिक कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन सब बातों को पूरा सोच समझकर आलोचना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। क्या सरकार की कोई आमदनी होती है? नहीं होती है ना जी। सरकार सिर्फ टैक्स से ही देश चलाती है, और देश में जो तेज़ी से सड़कें बन रही है, जो विकास हो रहा है, उनका पैसा भी टैक्स ही आता है, और टैक्स जरूरी भी है। सरकार जिस दिशा में काम कर रही है जी, उसको हमें समझना पड़ेगा। जो ईमानदारी से टैक्स नहीं दे रहे थे, उनसे टैक्स वसूलने के लिए नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदम उठाए गए। ये कदम जब कारगर होंगे तब जाहिर है सरकार के पास पैसा आएगा और फिर रियायत दी जा सकेगी जी। उस सब के लिए हमें कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, और जो 70 साल में नहीं हो सका जी, उसे महज 3 सालों में कैसे पा सकते जी। दिनेश जी, हर बार की तरह इस बार भी आपने कई सारे मामलों में हमारा ज्ञानवर्धन किया। आज स्टूडियो में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतना जी। ऐसे ही कई सारे चर्चाओं को देखने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।